यार, एग्जाम के लिए तो सिर्फ और 3 महीना बाकी है। इतने सारे सब्जेक्ट और टॉपिक्स कैसे कवर करूं? अबे ये क्या कर रहा है तू? दिखाई नहीं दे रहा, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तुझे प्रिपेयर नहीं करना है क्या? नहीं, ऐसे बात नहीं है। अभी एग्जाम के लिए तो 3 महीना बाकी है ना, तो इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है? मेरे तरह बिंदास रहे, ऐश कर, ढेर सारी मस्ती कर, और ये पढ़ाई वाड़ी को मार गोली। हाँ, ताकि वो भी तेरी तरह बर्बाद हो जाए। अभी खुद तो बर्बाद हो रहा है, दूसरों को क्यों बर्बाद कर रहा है? तो कुछ करता नहीं है, वो कुछ कर रहा है, तू उसे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है बे? तेरी एग्जाम के बाद तेरी एग्जाम नहीं है क्या? नहीं पापा, मेरा भी एग्जाम है। तो क्या तेरे को पढ़ाई नहीं करनी है? थोड़ी देर के बाद पढ़ूंगा। भाई कब करेगा? जब देखता हूँ तो तू मस्ती मारता रहता है। पूछता हूँ तब बोलता है आज पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा, एग्जाम करीब होगा तब पढ़ूंगा। कब पढ़ेगा तू? हाँ कब पढ़ेगा तू? खत्म होने के बाद पढ़ेगा क्या तू? हाँ तुझसे छोटा है, उसे तुझसे कुछ सीखना चाहिए। लेकिन साला यहाँ तो तू ही उसे बिगाड़ने में लगा हुआ है। पर मस्ती करते हुए दिखाई दिए ना, साले मार मार के हालत खराब कर दूंगा तेरी। यहाँ से चल, अपने रूम में जा और पढ़ाई कर। चल चल जल्दी से, जाओ जाओ जल्दी से पढ़ाई करो, वरना कहीं पापा ना आ जाए। तू अपना बत्ती से क्यों फाड़ रहा बे? देखना साले तेरे को मेरे बद्दुआ लगेगी। पढ़ाई शुरू की कि नहीं? हाँ पापा कर रहा हूँ, तुझे तो बाद में देख लूंगा साले। साला मेरा बाप भी क्या अजीब आदमी है यार, जब देखो तब गाली देता है, चैन से सांस भी लेने नहीं देता साले। लगता है जैसे सपने में भी डंडा लेकर खड़ा हुआ जैसे लगता है यार। ऐसा कोई करता है क्या? अबे अपनी जिंदगी अपने मर्जी से जिएंगे ना हम। पापा आप कब आए? मैं तो बस आपने जो कहा उसे रियलाइज कर रहा था। साले बदतमीज, पीठ पीछे अपने बाप की बुराई करता है। नहीं पापा, वो तो बस हर रात सपने में कौन दिखाई देता है। रुक रुक साले, तुझे वही सपना भी हकीकत में दिखाऊंगा मैं, हकीकत में। नहीं पापा, कहाँ गया साले मेरा डंडा? रुक अभी डंडा ढूंढ के लाता हूँ, तेरा पिछवाड़ा आज। नहीं नहीं Bye.